हाँ, तो ये जो रैपिड फायर होने वाला है, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन ने देखे, जो चैप्टर पूरा अपन ने कवर किया है, उसी के ऊपर है। इसमें मैं क्वेश्चंस आपके सामने फटाफट फटाफट रखूंगा और आपको एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधा आपको जवाब देना है। मोस्टली जवाब जो है, ये चीज कौन से एक्ट में बताई गई है, इसी के बारे में पूछूंगा, ठीक है? और जैसे ही आप जवाब नहीं दे पाते हो या जवाब गलत दे देते हो, तो सीधा दूसरे के ऊपर वो क्वेश्चन जो है वो चले जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर सेट ऑफ 10 क्वेश्चन में से आपने कितने जवाब दिए, वैसा नहीं। और जो ज्यादा जवाब देगा वो जीतेगा, और उसको क्या मिलेगा वो मैं आपको आज रात के सेशन में बताऊंगा, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करते हैं प्रीति से। तो आप अनम्यूट कर लो। ओके, चलो तो शुरू करते हैं रैपिड फायर। ऑल द बेस्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कौन सा एक्ट के तहत लाया गया? पिट्स इन द एक्ट 1784 ओके, गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ कौन सा एक्ट के तहत बनाया गया? सर सप्लीमेंट्री एक्ट के तहत बना दिया साल साल भी बताना है। 1786 गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सा एक्ट के तहत बनाया गया? सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिशन को इंट्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट कौन सा एक्ट के तहत किया गया? सर 1833 एक्ट के तहत सेंट रोजीन एक्ट ओके, सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो 2 महीने के अंदर डिस्क्लोज करना है, कौन सा एक्ट के तहत लाया गया? सप्लीमेंट्री एक्ट 17 17 17 अभी बता 1786 में सर वॉइस रॉय को ऑर्डिनेंस जो है वो इशू करने की पावर कौन सा एक्ट के तहत दी गई? सर 1761 के तहत सर 1761। गलत। चलो नेक्स्ट, अनिल। 1861 सर। ओके, फर्स्ट वॉइस रॉय का नाम क्या था? लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड कैनिंग सर। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ओके, बजट डिस्कस करने की पावर कौन सा एक्ट के तहत दी गई? 1892। फर्स्ट इंडियन जो जिसने वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव को ज्वाइन किया था उनका नाम क्या? सेंदर प्रसाद सिन्हा। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कौन से साल, उसकी डेट क्या है? मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 20 फरवरी 1999। ओके, गलत। प्रद्युमन। 1909। गलत। प्रीति। सर मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ना। हाँ, सर मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया 1870 में, 20 अगस्त 1870 में। सर ओके, 2 2 मिनट देना बस। 2 मिनट कहाँ मिलते हैं, 2 मिनट नहीं मिलते हैं। ओके चलो, अनिल नेक्स्ट। अनिल बताओ कि डायर की जो प्रोविंस है वो कौन सा एक्ट लाई गई? सर डायर की में क्या? डायर की प्रोविंस में कौन सा एक्ट लाई गई? 1919। ऑल इंडिया फेडरेशन कौन सा एक्ट लाया गया? 1935। आरबीआई कौन सा एक्ट के तहत लाया गया? 1935। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल का नाम क्या था? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल का नाम क्या था? राजा गोपालचारी। सेपरेशन ऑफ सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट कौन सा एक्ट के तहत किया गया? 1919 में। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट का आंसरेबल कौन सा एक्ट के तहत किया गया? 1909 में। ना, 1858, 1858, 1858। नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रद्युमन। वॉइस रॉय को आंसरेबल किसने बनाया था? 1858। लॉ मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन से एक्ट के तहत इंक्लूड किया गया? लॉ 1853 में। कंपनी को कमर्शियल मोनोपोली कब खत्म की गई? कंपनी की मोनोपोली 1853 नहीं, 1853 में। प्रीति। सर मुझे क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया।
कंपनी की मोनोपोली कौन से एक्ट के तहत खत्म की गई? सर ट्रेडिंग मोनोपोली क्या? कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली कौन से एक्ट के तहत खत्म की गई? नेक्स्ट अनिल। 1813 सर। गलत। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो विजिट कीजिए themmacademy.in। इस पर जाकर आप वेरियस कोर्सेज जो है वो देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फाउंडेशन कोर्स, IAS फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ इंडिविजुअल कोर्सेस अगर आपको लेना है तो वो भी अवेलेबल है। प्लस आपको माइंड मैप जो है वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि माइंड मैप की खासियत ये है कि माइंड मैप के थ्रू आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ से आप माइंड मैप जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये देख सकते हो आप डाउनलोड जो है वो करके प्रॉपर तरीके से माइंड मैप के थ्रू आप पढ़ाई करोगे तो ज़बरदस्त रहेगा। ये सभी के लिए फ्री है, और अगर आप कोर्सेस लेते हो तो यहाँ पर आपको PDF से लेकर सारी ही चीज़ें बड़ी शानदार तरीके से मिल जाती है। इसीलिए फटाफट विजिट कीजिए themmacademy.in और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दीजिए।